यहां समय की सीमा को देखते हुए सिर्फ तीन प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करना चाहता हूं जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरे पैदा कर रही है। पहला खतरा है क्लाइमेट चेंज का। ग्लेशियर्स पीछे हटते जा रहे हैं, आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है, बहुत से द्वीप डूब रहे हैं या डूबने के कगार पर है, बहुत गर्मी और बहुत ठंड, बेहद बारिश और बाढ़ या बहुत सूखा, एक्सट्रीम वेदर का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। इन हालात में होना तो चाहिए था कि हम अपने सीमित संकुचित दायरों से निकलकर एकजुट हो जाते, लेकिन हम ईमानदारी से अपने आप को पूछे, क्या ऐसा हुआ है क्या? और अगर नहीं तो क्यों? और हम क्या कर सकते हैं, मिलकर के क्या कर सकते हैं जो इन हालात में सुधार हो? हर कोई कहता है कि कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, लेकिन ऐसे कितने देश या लोग हैं जो विकासशील देशों और समाजों को उपयुक्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने में मदद करने के लिए आगे आते हैं? भगवान बुद्ध ने अपरिग्रह यानी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल को अपने सिद्धांतों में प्रमुख स्थान दिया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी आवश्यकता यानी नीड के अनुसार उपयोग और उपभोग करने के पक्ष में था। ग्रीड पर आधारित शोषण का उन्होंने सीधा विरोध किया था। सोचने का विषय है कि त्याग पूर्वक भोग से आवश्यकता अनुसार उपभोग करते हुए अब हम लालच के वश डिटोरिएट होते 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 अपने सुखों के लिए प्रकृति के शोषण तक पहुंच गए हैं। हमें अपने आप को पूछना होगा कि क्या यह हमारा विकास हुआ है या हमारा पतन हुआ है।